नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। मैं हूं मेघा सिंह। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अपनी एक्शन मूवीज़ और सिंगिंग के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्हें पेंटिंग में भी काफ़ी दिलचस्पी है? जी हां, सलमान खान पेंटिंग में काफ़ी दिलचस्पी रहते हैं और वो अक्सर अपनी पेंटिंग्स भी बनाते रहते हैं और सोशल मीडिया पर अपने फैंस को शेयर भी करते रहते हैं। अब इसी से जुड़ी एक खबर आ रही है कि सलमान खान अब अपना सोलो शो करने वाले हैं। अपने पहले सोलो शो मदरहुड एनम आर्टिस्टिक ऑड टू मदर टेरेसा में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए वह पूरी तरह से तैयार है। यह शो संदीप और गीतांजलि मिनी फाउंडेशन के साथ है और एजीपी वर्ल्ड और बीइंग ह्यूमन के सहयोग से अब सलमान खान फाउंडेशन गैलरी और आर्टियर गैलरी में सलमान खान की जो पेंटिंग है वो अब एग्जिबिट की जाएगी। कलाकार द्वारा बनाई गई दो नए बड़े आकार के कार्यों सहित तीन पेंटिंग 11 से 20 मार्च तक बेंगलुरु की गैलरी में प्रदर्शित होंगी। सलमान की कलाकृतियां सबसे पहले 4 मार्च को गूगल आर्ट्स एंड कल्चर पर ऑनलाइन लाइव होगी। उनकी दो पेंटिंग स्टिल इन होप ऑफ कंपैशन और बिगनिंग ऑफ पीस शीर्षक है, जिसका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन होगा और उसे डिजिटली लोगों के सामने पेश किया जाएगा। आपको बता दूं कि ये दोनों पेंटिंग जो है वो मदर टेरेसा फाउंडेशन के सामने और उनकी गैलरी जो है उसमें प्रदर्शित की जाएगी। अगर मदर टेरेसा की बात कही जाए तो मदर टेरेसा जो है वो हमेशा होप को लेकर हमेशा बोलती रही है और बताती रही है कि चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों ना हो, आशा हमेशा जीतती है। जी हाँ, होप हमेशा जीतती है। और सलमान की जो ये पेंटिंग है ये भी कुछ इसी प्रकार की है, इसी प्रकार की व्यक्तित्व करती है कि वो जो पेंटिंग है वो होप देती है लोगों को। और इसी वजह से इस फाउंडेशन के तहत सलमान की जो पेंटिंग है वो अब एग्जिबिट की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या लोग सलमान खान को बड़े पर्दे पर तो खूब पसंद करते हैं, लेकिन अब उनकी पेंटिंग्स को भी क्या लोग पसंद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। धन्यवाद।